नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जहां मैं आज बात करना चाहूँगा कि मार्केट्स में जो आज स्थिति है, क्या ऑलरेडी हम एक मार्केट क्रैश के अंदर एंटर कर चुके हैं, जो कि फरवरी 2020 से शुरू हो चुका है। तो क्या है वो मार्केट क्रैश, क्योंकि अभी भी ऐसी मान्यता है कि मार्केट क्रैश आएगा। नहीं दोस्तों, मार्केट क्रैश हो चुका, हम ऑलरेडी एक मार्केट क्रैश में एंटर कर चुके हैं। और दिन था 24 फरवरी 2020, जब इस 2020 के मार्केट क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स के जो इक्विटी मार्केट्स हैं, वो भी एक स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर एंट्री ले चुके हैं। वहां डिप्रेशन शुरू हो चुका है, एक एग्जॉशन शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रैश है, ये कोविड-19 के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, उसकी वजह से है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी से जब सेल ऑफ शुरू हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा एक डेली चार्ट में, कि 24 फरवरी से एक बड़े एग्जॉशन की हमने शुरुआत देखी, जो कि अभी तक गिरावट जहां जारी है। और ये पिछले स्टॉक मार्केट क्रैश से किस तरह डिफरेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने आने वाले हफ्ते के मूवमेंट्स पर जो वीडियो प्रस्तुत किया था, उस पर कई जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कई तरह के क्वेश्चंस थे। उनमें एक क्वेश्चन था कि सर, आप कभी बॉटम के बारे में बात नहीं करते। तो बॉटम आना, जब कोई बॉटम आता है किसी भी एक क्रैश का, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, वो एकदम से नहीं आता, वो एकदम से बॉटम आउट कोई मार्केट नहीं होती। यदि हम बात करें पिछले मार्केट क्रैश की, जो कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जिनकी शुरुआत सन 2007 में हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मंथली चार्ट है निफ्टी फ्यूचर्स का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब यहीं दिसंबर के लास्ट में एक हाई बनाया था निफ्टी फ्यूचर्स ने, इस तरह को छुआ था, यानी 6354 के, और उसके बाद से ये जो गिरावट शुरू हुई थी, जहाँ निफ्टी 50 फ्यूचर्स ने लोएस्ट इन लेवल्स को छुआ था, और ये गिरावट जारी रही थी अक्टूबर 2008 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कैंडल जो है इस मंथली चार्ट में, एक महीने की मूवमेंट को दिखा रहा है। तो उसे आप जान सकते हैं कि कितने महीने तक निफ्टी फ्यूचर्स ने इस स्तर पर सपोर्ट दी बार बार, और यहाँ कंसोलिडेट किया। आप यदि गिने तो आप पाएंगे कि यहाँ अक्टूबर के महीने में ये रोज टच किए थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के महीने में पहला सिग्नल मिला था, जो कि एक ग्रीन कैंडल डेवलप हुआ था, जहां से एक अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई थी, यहाँ से मार्केट बॉटम आउट हुआ था। तो ये बॉटम आउट के बारे में, एकदम से बॉटम आउट नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 महीने 5 महीने तक लगातार यहाँ कंसोलिडेशन हुई। तो ये अभी जो मार्केट क्रैश है, जो 2020 का मार्केट क्रैश है, जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस, जहाँ की नवंबर 2019 में पहला केस मिला था कोविड-19 का, और दिसंबर आते आते जब वर्ल्ड मार्केट्स के साथ साथ हमारा निफ्टी फ्यूचर्स भी एक हाईएस्ट लेवल को छू रहे थे, जब 30 दिसंबर 2019 को हमारे भारतीय मार्केट्स ने भी एक हाई लगाया था, जहां निफ्टी ने 12,430 का एक हाई बनाया था, वहीं निफ्टी फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया था। आप यहां देख सकते हैं कि 12,471 का। उसके बाद जब विश्व में सबसे पहले जब चाइना के वुहान शहर में दिसंबर के महीने में ही इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए कि उसका इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पर इतना अधिक हुआ, जिसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन में एक डिसरप्शन आया, और वहीं वर्ल्ड में एक ठहराव सा आना शुरू हो गया था, जिसके चलते हमने 30 दिसंबर की इस पीक को छूने के बाद यहाँ से निफ्टी में एक गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखा। और यहाँ पहला एक एग्जॉस्टिव कैंडल बना एक मंथली टाइम फ्रेम में। और आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी से, मैं इसे डेट देता हूँ कि 24 फरवरी 2020 से इस मार्केट क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, जब हम एक मंथली टाइम फ्रेम में लगातार एग्जॉस्टिव कैंडल्स की फॉर्मेशन देख रहे हैं। जहाँ कि मार्च में हमने इतनी बड़ी एक एग्जॉस्टिव कैंडल देखी, जहाँ इतनी बड़ी रेड कैंडल आप शायद पहले हिस्ट्री में कहीं नहीं देखेंगे इस मंथली चार्ट में,
जितनी बड़ी गिरावट हमने मार्च 2020 में देखी है, जहां निफ्टी फ्यूचर्स ने इन स्तरों को छुआ है, यानी 7535 का स्तर था शायद सबसे जो न्यूनतम स्तर जहां निफ्टी ने छुआ था, और निफ्टी फ्यूचर्स का जो लो बना है वो 7521 का है। तो ये जो स्तर है, जबकि निफ्टी फ्यूचर्स ने 23 मार्च को 7521 का स्तर छू चुके हैं, परंतु फिर एक अटेम्प्ट हुआ, एक ऊपरी स्तरों से शुरुआत तो हुई। इन स्तरों से आप देख सकते हैं कि अप्रैल की शुरुआत थोड़े ऊपरी स्तरों से हुई, यानी 8559 से, परंतु यहाँ पहले ही तीन ट्रेडिंग सत्र में यहाँ लगातार सेलिंग हमने देखी, जहाँ की हम देख रहे हैं कि अप्रैल के पहले तीन ट्रेडिंग सत्र में ही निफ्टी फ्यूचर्स ने इतना बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म कर दिया है, जहाँ निफ्टी फ्यूचर्स की एक बड़े अहम स्तर पर क्लोजिंग तो हुई है। ये वो लेवल है जहाँ की निफ्टी कुछ सपोर्ट ले सकता था, परंतु निफ्टी ने इस सपोर्ट को भी तोड़ चुका है ऑलरेडी निफ्टी मार्च के महीने में। तो मैं अभी इसे सपोर्ट नहीं मानता, और मुझे लगता है कि ये गिरावट कहीं और अधिक जारी रह सकती है, जहाँ की निफ्टी में हम मार्च से भी एक बड़ी गिरावट आते हुए अभी फिर से जारी रहते हुए देख सकते हैं, जहाँ की निफ्टी नीचे काफी एक निचले स्तरों को छू सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि हम पिछले मार्केट क्रैश की, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो जो 2007 में शुरू हुए थे, जब कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका में मंदी की कगार में आ गए थे, क्योंकि उनका जो इक्विटी में जो एक्सपोजर था वो काफी अधिक हो चुका था, और जहां की जब मार्केट क्रैश हुआ, जब अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स में सेलिंग शुरू हुई, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो गए, और उन्हें नीचे आते आते जब मार्केट में 2007 में जब शुरुआत हुई थी, आप यहां देख सकते हैं कि अक्टूबर 2007 में जब मार्केट इन उच्चतम स्तरों को छू रहा था, तब नवंबर में एक हाई बनाया था निफ्टी ने भी, आप यहां देख सकते हैं कि 6193 के स्तर का छुआ था, और उसके बाद शुरुआत होती है दिसंबर 2008 की, जब निफ्टी ने 6354 के स्तर का छुआ था उच्चतम स्तर को, और ये वो स्तर थे जब S&P 500 फ्यूचर्स भी अपने हाईएस्ट लेवल पे थे। तो जो वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उनका एक्सपोजर इक्विटी में काफी ज्यादा था शेयर मार्केट में, जिसकी वजह से वहाँ जब मार्केट क्रैश की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कर्ज लेकर इक्विटी में निवेश किया हुआ था, वो फेल हुए, और वो फेल इसलिए हुए क्योंकि उन्हें चाहिए था कैश, और कैश के चलते वो हर स्तर पर नीचे आते आते बकवाली करते गए, और वहाँ पैनिक सेलिंग का दौर जारी रहा, जिससे यहाँ की मार्केट्स में भी, हमने भारत में भी एक बड़े गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखा, जबकि निफ्टी फ्यूचर्स ने इन स्तरों को छुआ था। तो यहाँ एक समानता भी है और एक असमानता भी है बहुत बड़ी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये थे फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फेलियर से जुड़े थे। उससे पहले भी कई बड़े बड़े क्रैशेस हुए हैं, जैसा कि सबसे पहले जो मार्केट क्रैशेस की शुरुआत मानी जाती है वो सन 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से, तब भी जो वॉल स्ट्रीट का जो मार्केट क्रैश है 1929 का, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1929 से मानी जाती है, जो कि 4 साल तक जिससे पूरा विश्व एक मंदी के दौर में चला गया था, क्योंकि वो था एक स्पेकुलेटिव बबल इक्विटीज में, जबकि लोगों ने बहुत ज्यादा उधार ले लिया था शेयर मार्केट्स में शेयर खरीदने के लिए, और बाद में जब शेयर मार्केट गिरे तो वो कैश चाहते थे, और वो लगातार सेलिंग करते गए ताकि वो अपना लोन उतार सकें, जिससे एक बहुत बड़ा मंदी का दौर शुरू हुआ था अक्टूबर 1929 में, जो कि 4 साल तक पूरे विश्व में जब मंदी छाई रही, और 4 साल के बाद कहीं विश्व ने उससे उबरना शुरू हुआ। तो इस तरह मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, ये नहीं कि मार्केट गिरेगा तो चढ़ेगा नहीं, परंतु यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ पिछले मार्केट क्रैश से, इसको जो कंपैरेटिव मूव्स हैं इन में क्या समानता और असमानता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो पिछला जो मार्केट क्रैश था, जिसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं 2007 और 8 के, जब कि जो आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स की जो गिरावट है, वहां निफ्टी इंडेक्स की जो मूवमेंट थी, अगर आप इसको वैसे ही देखेंगे एक नजर में, तो आपको ये
आप देखेंगे कि जियो अब जो गिरावट है ऊपरी स्तरों से, ये अब तक एक काफ़ी बड़ी गिरावट इस गिरावट के कंपैरिजन में रखती है, जबकि यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जो गिरावट हुई थी उच्चतम स्तरों से यदि देखें तो निफ्टी 6284 के स्तर पे था और न्यूनतम स्तर उसे छुआ था इस गिरावट में 2207 का। तो यानी निचले स्तरों से अगर देखें तो ये गिरावट में निफ्टी 1/3 टूट चुका था, यानी 6000 से 2000 पर आना, तो आप लगा सकते हैं कि कितनी गिरावट है। तो यदि हम इस गिरावट को अभी तक देखें जो 24 फरवरी 2020 में शुरू हुई है, तो ये इससे भी बड़ी गिरावट अब तक हम देख चुके हैं। और यहाँ दूसरी एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, जब आती है बात बॉटम की, तो यहाँ हम देखें कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्लाउड्स हैं जिन्हें इचिमोकू क्लाउड कहा जाता है। ये एक टूल है जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, ये कई मूविंग एवरेजेस को मिलाकर बनाया था एक जापानीज जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम इचिमोकू था। इस टूल को जो नाम दिया गया वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये एक बड़ा कारगर टूल है जो कि एक एडवांस सिग्नल दे देता है काफी कुछ आने वाले मूव्स का। आप यहां देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने इस लाइन पर, आप देखें कि ये जो लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ की है रेड कलर से, ये एक खतरे की घंटी है। यानी इस स्तर के ऊपर जाते ही निफ्टी में ये सबसे इस अप ट्रेंड की एक सबसे ऊपर की लाइन है, जिसे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक ब्राउन लाइन है। ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब किसी भी समय क्रैश हो सकता है और यहाँ कभी भी सेलिंग हो सकती है। ये जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब निफ्टी फ्यूचर्स ने इस लाइन को तोड़कर ऊपर गया था और फिर उसने रेड लाइन के ऊपर गया था, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर अक्टूबर 2007 में, और इस तरह को टच किया, तब यहाँ पर सभी निवेशकों को लगता है कि मार्केट अभी 6000 पर ही नहीं, ये तो 12-13000 जाएगा। उस समय ये बातें निवेशकों के बीच होती थी कि यहाँ अभी और बाइंग करो और बाइंग करो, क्योंकि निफ्टी तो 15000 जाने वाला है। तो ऐसा नहीं होता, ये निवेशकों में उस टाइम एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, जिसे कहते हैं एक पैनिक या एक बाइंग पैनिक मैं कहूँगा। जब टीवी पर हर कोई आकर बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं कि ये खरीदो वो खरीदो, तो यही वो समय होता है जब एक आम निवेशक यहाँ ट्रैप होता है और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या DIEs या FIIs अपना माल बेचकर भाग रहे होते हैं, और वहाँ फिर शुरू होता है या आम पब्लिक खरीद रही होती है और FIIs बेच बेच कर भाग रहे होते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ यहाँ, जब निफ्टी एक पब्लिक बाइंग जब उच्चतम स्तरों को छू गई तो निफ्टी ने यहाँ से गिरावट देखी। ये एक फिनोमेना जो है ये सिर्फ भारत में ही नहीं था, ये पूरे विश्व में था। और ठीक ऐसा ही है यहाँ पर भी, जो अब आप देख सकते हैं कि ठीक उन्हीं स्तरों के पास जब भी मार्केट गया तो इस लाइन को जब टच किया मार्केट ने, तो या तो यहीं से गिरावट की शुरुआत हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2010 में भी जब मार्केट यहां इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जब यहां सपोर्ट रहने के बाद, जब यहां से एक अपवर्ड मूव की शुरुआत देखी, यहां से हमने एक अच्छी रिकवरी देखी मई 2009 से, और फिर से निफ्टी ने इन स्तरों को अचीव कर लिया था नवंबर 2010 में। और जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार एक रेजिस्टेंस फेस की निफ्टी फ्यूचर्स ने, ये स्तर थे 6320 का, यानी यही स्तर जहाँ एक पिछला हाई लगा था। यदि आप देख रहे हैं ये एक नीली लाइन है जहाँ निफ्टी ने फिर से इन्हीं स्तरों पर बार बार एक टफ रेजिस्टेंस फेस की है, जिसके बाद निफ्टी में फिर से ये गिरावट हुई, क्योंकि निफ्टी इस बार इस लाइन को, जो ये सेकंड जो लाइन है ब्राउन लाइन इस अपवर्ड ट्रेंड की, इसको नहीं तोड़ पाया और यहां से सेल ऑफ की फिर से शुरुआत हुई, जब निफ्टी ने फिर से एक नीचे का डाउनवर्ड मूव लिया, जहां निफ्टी ने 4610 के स्तर को छुआ था न्यूनतम स्तर को दिसंबर 2011 में, और फिर से अगले महीने में यानी जनवरी 2012 में फिर से कंसोलिडेशन हुई, एक अपवर्ड मूव हुआ। परंतु ये एक कंसोलिडेशन का फेस कहूंगा मैं यहाँ, जो कि यहाँ तक जारी रहा, जहाँ जून 2012 तक आप देख सकते हैं निफ्टी इन्हीं स्तरों पर कंसोलिडेट कर रहा था और फिर से एक उछाल आया निफ्टी में। फिर से निफ्टी ने तीसरी बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस की है, बिल्कुल की है इन्हीं स्तरों पर, जिसको निफ्टी तोड़ नहीं पाया और फिर से यहाँ सेल ऑफ हुआ और निफ्टी ने नीचे आ गया था। निफ्टी यहाँ सन 2013 में यानी
अगस्त 2013 में फिर से निफ्टी ने इचिमुकु क्लाउड के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश की है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने 2007-08 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस का जो ये क्रैश था 2007 का, तब एक लो लगाया था अक्टूबर 2008 में, और यहाँ इचिमुकु क्लाउड के लो एंड पर सस्टेन कर लिया था, इसको डिफेंड कर लिया था, तभी यहाँ से बॉटम आउट होता है निफ्टी। जो बॉटम आउट वाली बात हो रही थी वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि ये थे सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस, परंतु अब जो क्रैश हुआ है मार्केट का 24 फरवरी से, जो जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस गिरावट में हम देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े जो रेड कैंडल्स बने हैं एक मंथली टाइम फ्रेम में, जहां कि मार्च में एक सबसे बड़ा रेड कैंडल है जो आप इस पूरे चार्ट में नहीं आपको दिखाई देगा निफ्टी फ्यूचर के, ये एक मंथली चार्ट है, जहां कि आप देख रहे हैं कि मार्च में कितनी एक बड़ी गिरावट देखी है हमने, जहां कि निफ्टी फ्यूचर्स ने इचिमुकु क्लाउड्स के लोअर एंड को भी तोड़कर यहाँ इन स्तरों को छुआ है। दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जब निफ्टी फ्यूचर्स 23 मार्च को एक मंथली टाइम फ्रेम में इचिमुकु क्लाउड के निचले स्तर को भी तोड़कर नीचे आ गए, जैसा कि उन्होंने यहाँ सपोर्ट ले ली थी इसके इचिमुकु क्लाउड के निचले स्तर पर, और फिर से एक बाउंस बैक यहाँ हमने देखा था। तो इचिमुकु क्लाउड के जब ऊपर के स्तर से जब कोई सपोर्ट होती है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक भी देखा जा सकता है, जैसा कि यहाँ देखा हमने, यहाँ देखा फिर से 2013 में जब मार्केट गिरा इन स्तरों से एक टफ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, तो यहाँ इचिमुकु क्लाउड के ऊपरी स्तर पर ही एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर्स को मिल गया था। फिर से निफ्टी फ्यूचर्स ने एक अपवर्ड मूव लिया, फिर से यहाँ इन्हीं स्तरों पर एक टफ रेजिस्टेंस देखी और फिर से एक गिरावट आई। फिर निफ्टी फ्यूचर्स ने जो रफ्तार पकड़ी मार्च 2014 से, तो निफ्टी फ्यूचर्स ने फिर से इस स्तर को तोड़ा। ये जो लाइन है आप ब्राउन कलर से देख रहे हैं, और फिर से एक हाई लगाया, परंतु फिर से इस रेड लाइन को नहीं तोड़ पाया है इस अप ट्रेंड की, और निफ्टी ने फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्च 2015 में इस रेड लाइन को टच करने के बाद निफ्टी फ्यूचर्स ने एक गिरावट का दौर जारी रहा। बीच बीच में कुछ रिवर्सल देखे गए, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अच्छा रिवर्सल हमने देखा सितंबर अक्टूबर में, आप देख सकते हैं निफ्टी ने फिर से एक रिवर्सल लिया था यहाँ इस डाउनवर्ड मूव में जो यहाँ से शुरू हुआ था, परंतु इस तरह के रिवर्सल या बाउंस बैक्स आते हैं बीच बीच में एक गिरावट के दौर में, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने फिर से फरवरी 2016 में इन स्तरों तक निफ्टी फ्यूचर्स आए, परंतु आप ये देख रहे हैं ये जो सबसे ये एक मिड लाइन कहूंगा मैं इस अप ट्रेंड की, ये जहां से निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने यहाँ काफी अच्छा कंसोलिडेट करते हुए एक अपवर्ड मूव बार बार पकड़ा है, और यहाँ पर भी ठीक ऐसा हुआ, निफ्टी फ्यूचर्स ने एक अच्छा सपोर्ट दिया इन स्तरों पर इस लाइन पर, ये जो आप देख रहे हैं फरवरी 2016 में, और फरवरी 2016 से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई जो अब तक जारी था 20 फरवरी तक, और 24 फरवरी को एक हाई लगा, और फिर से हमने जो 2020 का मार्केट क्रैश शुरू होते हुए देखा, जहां की निफ्टी फ्यूचर्स ने इस रेड लाइन के ऊपर, तो निफ्टी फ्यूचर्स चले गए थे यहीं पर, जब निफ्टी फ्यूचर्स ने आप यहां देख सकते हैं कि जनवरी 2018 में पहली बार इस रेड लाइन को ब्रेक किया था, यहां इन स्तरों को छुआ, यानी 11,088 के लेवल को जहां से सेलिंग हमने देखी उसके अगले महीने में, यानी फरवरी 2018 में, और एक बड़ी गिरावट फरवरी और मार्च दोनों महीनों में 2018 में देखी गई, और फिर से यहां अटेम्प्ट होते रहे, जहां निफ्टी ने बार बार इस रेड लाइन को तोड़ा और सस्टेन करने की कोशिश की परंतु कर नहीं पाया, और फिर से इसके नीचे आ जाता था परंतु इस ब्राउन लाइन के ऊपर रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2018 में जब टैरिफ ट्रेड वार शुरू हुआ था, तब भी निफ्टी इन स्तरों तक नीचे गिरा था, जहां निफ्टी ने एक लो लगाया था 10,051 का, और निफ्टी ने फिर से एक बाउंस बैक लिया क्योंकि इस को रिजॉल्व करने की कुछ कोशिश की जा रही थी, और फिर से हमने देखा कि निफ्टी ने फिर से इस रेड लाइन को क्रॉस किया एक मंथली टाइम फ्रेम में, जहां की पहली बार जो सेल ऑफ हुआ वो आप देख सकते हैं कि मई 2019 में हुआ, जहां कि निफ्टी में एक खड़ी गिरावट देखी गई, परंतु यहां से एक अच्छा रिवर्सल निफ्टी में देख लिया, क्योंकि यहाँ इस तरह का रिवर्सल एक पहला इंडिकेशन होता है कि यहाँ एक बाइंग देखी गई है, परंतु उसके बाद जो पहला एग्जॉस्टिव कैंडल बना वो बना जून 2019 में,
जिसके बाद से हमने एक तेज गिरावट देखी निफ्टी फ्यूचर्स में और निफ्टी फ्यूचर्स ने इस लेवल पर सस्टेन किया यानी 10,652 पर। यहाँ एक अच्छी सपोर्ट रही निफ्टी फ्यूचर्स ने, लोगों को लगा कि ये लेवल्स निफ्टी को एक बॉटम दे सकते हैं इस गिरावट में, यही निफ्टी की बॉटम है। और फिर यहाँ से फिर से भारतीय सरकार की तरफ से भी काफी प्रयास हुए इस बीच में बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के, कॉर्पोरेट टैक्स कट करने के, जिसको लेकर एक फिर से एक बाउंस बैक हुआ निफ्टी फ्यूचर्स में और निफ्टी फ्यूचर्स ने एक ऊंचाई को छुआ। और 24 फरवरी 2020 से जो सेलिंग शुरू हुई है वहां से FIs लगातार पिछले 3 महीने से बेकवाली किए जा रहे हैं जहाँ की ये जो गिरावट बढ़ती ही चली गई महीना दर महीना। आप देख सकते हैं निफ्टी में जनवरी में जो गिरावट हुई थी, ये जो कैंडल है जनवरी 2020 का, फिर आपने देखा कि फरवरी 2020 में जो कैंडल बना वो उससे डबल कैंडल था, एक रेड कैंडल। और जो मार्च की गिरावट है उसने तो इन सभी कैंडल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ हमें देखने को मिला, जहाँ की हमने मार्च में भी काफी गैप डाउन्स के साथ एक नीचे की गिरावट देखी, जहाँ निफ्टी ने इन लोएस्ट लेवल्स को छुआ है। और निफ्टी ने इस गिरावट में इस इचिमुकु क्लाउड के लोअर लेवल को भी तोड़ा। अब मेरा मानना है कि ये जो लोअर एंड है, जब निफ्टी ने अप्रैल की शुरुआत इसके नीचे से की है, इस लोअर एंड के भी नीचे हैं हम निफ्टी को देख रहे हैं कि पहले 3 ट्रेडिंग सत्र में ही निफ्टी एक बड़ा कैंडल एक मंथली चार्ट में फॉर्म कर चुका है, जिसका मतलब है कि अभी तो अप्रैल पूरा बाकी है। जहां की मेरा मानना है कि जिस तरह की मार्केट में हालात हैं, COVID-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पूरे विश्व में ही नहीं भारत में भी काफी केसेस बढ़ चुके हैं, जिसके चलते पूरे विश्व में सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो चुका है, जिसका कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम आने वाले कई महीनों नहीं कई साल तक हमें शायद देखने को मिले, क्योंकि इसको नॉर्मल होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि सप्लाई चेन दोबारा से शुरू हो, जिससे व्यापार शुरू हो, एक जीवन जो है एक नॉर्मल स्टेज में आए, उसको हो सकता है कि नॉर्मल होने में काफी समय लग जाए, जब तक मार्केट्स में हम लगातार गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखेंगे। क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर नहीं है, यहाँ जुड़े हैं एक महामारी की समस्या, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट है, पूरा विश्व चिंतित है जिसको लेकर, पूरे विश्व में सभी इंडेक्सेस में गिरावट देखी जा रही है, जिसको लेकर मेरा मानना है कि ये गिरावट काफी लंबे समय तक जारी रह सकती है। जहाँ की हम एक रिसेशन के फेस में पहुंच चुके हैं, मार्केट तो क्रैश हो चुका है, क्योंकि जब कोई भी इंडेक्स इस इचिमुकु क्लाउड के नीचे आ गया एक मंथली चार्ट टाइम फ्रेम में, तो समझ लीजिए कि मार्केट तो क्रैश हो चुका, अब तो एंट्री हो गई है एक ग्रेट रिसेशन में। तो अभी तो रिसेशन का दौर शुरू हो चुका है, जो कि काफी लंबे समय तक जारी रहने वाला है। तो बॉटम कहाँ होगा अब निफ्टी फ्यूचर्स का, वो अभी कहना मुश्किल है, परंतु मुझे लगता है कि जिन स्तरों पर निफ्टी को बार बार एक टफ रेजिस्टेंस हमने देखा यहाँ मिलते हुए, आप देख सकते हैं कि इन स्तरों से निफ्टी को बार बार टफ रेजिस्टेंस मिला, जब भी निफ्टी नीचे से ऊपर आया यहाँ पर भी मिला, और उसको तोड़ने के बाद ही एक अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत हमने देखी थी यहाँ 2014 से। तो यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने इन स्तरों को भी तोड़ दिया अब इस गिरावट में, तो यहाँ पर जाकर यानी 5500 या 5600 के स्तर पर जाकर एक सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर्स को मिल सकता है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि ये लेवल भी मुझे लगता है कि पहले तो देखना होगा कि क्या निफ्टी फ्यूचर्स आने वाले हफ्तों में 2016 के लो को डिफेंड कर पाता है या नहीं, और यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने इसी हफ्ते में इन लोस को तोड़ा 2016 के, तो मेरा मानना है कि फिर ये गिरावट का अंदाजा सही तरह से हो जाएगा। तो अभी तो देखना है कि निफ्टी फ्यूचर्स की ओपनिंग 6 अप्रैल को किन स्तरों पर होती है, क्या इस आने वाले हफ्ते में निफ्टी फ्यूचर्स 23 मार्च के लो को तोड़कर नीचे निकलते हैं या इस लेवल को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। तो यदि पहले ही ट्रेडिंग सत्र में एक बड़े गैप डाउन के साथ हमने ओपनिंग देखी, तो मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स में ये गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स को आने वाले हफ्ते में इस स्तर को दिखा सकती है, यानी 6,975 के स्तर पर ही जाकर सपोर्ट मिलेगा। पहला सपोर्ट जैसा कि सन 2016 में यहाँ गिरावट में मिला था हमें, जब निफ्टी ने इन स्तरों पर जाकर सपोर्ट ली थी, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिले एक मंथली टाइम फ्रेम में, परंतु उस बाउंस बैक की कंफर्मेशन तभी होती है जब एक मंथली चार्ट में अगला जो कैंडल होता है वो फिर से एक बुलिश कैंडल बने, तभी उसको और फिर वहां पर जाकर सपोर्ट
वो थोड़ा कंसोलिडेट करे, परंतु यहाँ अगर सपोर्ट नहीं मिली तो मुझे लगता है कि इस गिरावट में हम निफ्टी फ्यूचर्स को अप्रैल के महीने में ही इस तरह को भी तोड़ता हुआ देख सकते हैं, जहाँ कि मैंने कुछ सपोर्ट लेवल्स मार्क किए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि निफ्टी फ्यूचर्स ने अप्रैल के महीने में यदि इतनी ही बड़ी गिरावट देखी तो ये निफ्टी फ्यूचर्स को कहीं नीचे तक धकेल सकती है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स ऑलरेडी काफी वीकनेस देख चुके हैं। और ये वीकनेस इनमें क्यों आई है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स का जो लेवल है वो इचिमोकु क्लाउड के भी नीचे हैं और एक अहम सपोर्ट लेवल को भी तोड़ कर नीचे आए हैं, जहाँ कि उन्होंने पिछली जो गिरावट है जो कि हमने देखी थी यहाँ 2018 में, उसको तो काफी पहले ही तोड़ दिया निफ्टी फ्यूचर्स ने। आप देख सकते हैं कि सन 2018 में जो एक तेज गिरावट देखी गई थी टेस्ट ट्रेड वॉर के चलते, उसको तो हमने इन स्तरों पर काफी पहले ही तोड़ चुके हैं मार्च के महीने में। और यहाँ मार्च के महीने में खड़ी गिरावट जो निफ्टी फ्यूचर्स को इचिमोकु क्लाउड के भी नीचे यहाँ धकेला गया, वहीं अप्रैल की जो शुरुआत है वो इचिमोकु क्लाउड के लोअर एंड से हुई है। और इस गिरावट के चलते हम निफ्टी फ्यूचर्स को काफी नीचे तक आते हुए देख सकते हैं, जिसके चलते हम निफ्टी फ्यूचर्स को अप्रैल के पूरे महीने में गिरते हुए देख सकते हैं। हो सकता है इन स्तरों पर आकर निफ्टी फ्यूचर्स को कुछ सपोर्ट मिलने की कोशिश हो, जहां से कुछ बाइंग देखने को मिल सकती है, यानी 6939 का पहला सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए और अगला सपोर्ट है 6300 का। तो अभी तो देखना होगा कि क्या निफ्टी फ्यूचर्स इस लेवल्स को जहां उन्होंने सपोर्ट दिया है, ये एक काफी एक अहम सपोर्ट लेवल है, जहां कि निफ्टी पहले भी कई बार सपोर्ट दे चुका है, परंतु अभी तो इस सपोर्ट के ऊपर पिछले हफ्ते में डिफेंड कर लिया है निफ्टी फ्यूचर्स ने। परंतु अभी तो देखना होगा कि क्या निफ्टी फ्यूचर्स जब इचिमोकु क्लाउड के नीचे आ चुके हैं तो क्या वो इसको डिफेंड कर पाएंगे इन स्तरों को, जहां कि 23 मार्च को निफ्टी फ्यूचर्स ने एक लो छुआ है। तो यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते में इस लो को भी तोड़ दिया तो निफ्टी फ्यूचर्स में ये गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स को पहला सपोर्ट जो इमीडिएट सपोर्ट है वो इन स्तरों पर है, यानी 6885 पर। यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने इस यहाँ पर कुछ सपोर्ट देने की कोशिश की तो ठीक, यहाँ से कुछ वापसी संभव है, परंतु इसे अभी एकदम से बॉटम आउट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जल्दबाजी होगी। जब तक कि निफ्टी इन स्टेज जहां पर भी वो बॉटम आउट करेगा उससे पहले कंसोलिडेट जरूर करेगा, जैसा कि उसने यहाँ पिछले फाइनेंशियल क्राइसिस में किया था। परंतु अब जो इस मार्केट क्रैश का जो अब जो रीजन है वो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, एक महामारी भी उससे जुड़ी है, जिसका कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी अधिक है। लोगों में जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का जो भय है वो साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है पूरे विश्व की, जिसको लेकर जब बेरोजगारी के आंकड़े आए अमेरिका में, वहां बेरोजगारी आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई, वहीं यूरोपियन देशों में भी बेरोजगारी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो नौकरियां लोगों की छूट रही हैं, इस महामारी के चलते काफी कंपनियां बंद हो रही हैं, कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं मैनेज जैसे भी, परंतु वहीं होटल इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज और जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ एक पूरी तरह से मंदी छा चुकी है, जिसके चलते बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं हर देश में। तो ये एक पहला सिग्नल है आने वाले मंदी का, जिसके चलते हम कोई भी जो स्टिमुलस दिया जाता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो एक फेलियर प्रतीत होता है। वो इस टाइम कोई स्टिमुलस काम नहीं करता जब तक कि जो इकोनॉमी है वो रेगुलर अपनी पटरी पर ना आ जाए। कोई भी इकोनॉमी तब तक कोई स्टिमुलस काम नहीं करेगा और उस इकोनॉमी को हम डावाडोल स्थिति में रहते हुए देखेंगे कई साल तक, जैसा कि पहले भी हिस्ट्री में बहुत से उदाहरण हैं। जबकि इकोनॉमिक डिप्रेशन जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं तो अब इस मार्केट क्रैश को जो निफ्टी जिस स्थिति में आ चुका है इसे अब मैं मार्केट डिप्रेशन की संज्ञा देता हूं, क्योंकि निफ्टी अब मार्केट डिप्रेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं। हमारे इंडेक्सेस नहीं, यदि हम और ग्लोबल इंडेक्सेस की तरफ भी देखेंगे तो वहां स्थिति बड़ी गंभीर है। तो आइए दोस्तों अब एक निगाह डालते हैं S&P 500 फ्यूचर्स के एक मंथली चार्ट पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये चार्ट मैंने बनाया था फरवरी 2019 में, जब मैं S&P 500 फ्यूचर्स के मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहा था, और खासकर वो मेरा एनालिसिस था वर्ल्ड मार्केट क्रैश पर,
जो कि अगला क्रैश कब आएगा, ये प्रेडिक्शन मैंने फरवरी 2019 में ही कर दी थी, जब S&P 500 फ्यूचर्स के इंडेक्स में जो गिरावट यहाँ देखी थी हमने इन स्तरों से। तो इसको एनालाइज करते हुए मैंने कोशिश की थी अगले मार्केट क्रैश की प्रेडिक्शन करने की, और ठीक आप देख सकते हैं कि ये चार्ट मैंने जो बनाया है, ये जब यहाँ आप ये देख रहे हैं कि एक नीली लाइन जहाँ की S&P 500 फ्यूचर्स ने इस रेड लाइन को तो क्रॉस कर लिया, परंतु जब इस ब्लू लाइन को टच करने की कोशिश की तो यहाँ से हमने गार्ड जारी रहते हुए देखी, और ठीक ऐसा ही अब भी हुआ जबकि S&P 500 इंडेक्स को जनवरी 2020 में इस ब्लू लाइन के भी ऊपर एक हाई लगाते हुए देखा था। इन स्तरों तक पहला हाई लगा था जब 3349 का हाई S&P 500 फ्यूचर्स ने लगाया था, और फिर से एक नए हाई से शुरुआत की 3395 के लेवल से S&P 500 फ्यूचर्स ने फरवरी की शुरुआत की थी, और वहीं से हमने देखा एक हैवी सेल ऑफ जो कंटिन्यू रहा इन स्तरों तक, जिसने तुरंत धकेल दिया इस ब्लू लाइन के नीचे। और आप देख सकते हैं इस ब्लू लाइन के नीचे आने के बाद फरवरी के महीने में एक बड़ी गिरावट S&P 500 इंडेक्स में देखी गई, जहां की पहला सपोर्ट लेवल था ये लाइन आप देख रहे हैं कि इस रेड लाइन पर सपोर्ट ले रही S&P 500 इंडेक्स ने फरवरी 2020 में, क्योंकि इसी रेड लाइन को तोड़कर S&P 500 फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं कि सितंबर 2019 में एक ब्रेकआउट दिया था, एक स्टीप अपवर्ड मूव था सितंबर 2019 के महीने से जो शुरू हुआ, और एक हाई बना था इन स्तरों तक जनवरी 2020 में, परंतु फरवरी की जब शुरुआत होती है, जब S&P 500 फ्यूचर्स एक हाई लगाते हैं 3406 का, तो उसके बाद एक हैवी सेल ऑफ की शुरुआत, जिससे कि फरवरी के महीने में ही वापस S&P 500 फ्यूचर्स को धकेल दिया गया इन स्तरों तक, जो कि पहला सपोर्टिंग लेवल था मेरा किसी भी एक बड़ी गिरावट में। और फिर मार्च में आप देख सकते हैं कि फिर से एक अटेम्प्ट हुआ S&P 500 फ्यूचर्स में, फिर से एक अटेम्प्ट हुआ जब S&P 500 फ्यूचर्स ने इस रेड लाइन को छुआ आप देख सकते हैं, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है जो आप जो कि इंग्लिश में है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मार्केट क्रैश पर पार्ट टू करके एक वीडियो है S&P 500 फ्यूचर्स का। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लेवल है जहाँ ये रेड लाइन और ये वाली लाइन जहाँ मिलती है, पहला तो इमीडिएट सपोर्ट ये लाइन है, ये वाली ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लाइन पर एक इमीडिएट सपोर्ट था S&P 500 फ्यूचर्स का, जिसे हमने देखा कि S&P 500 फ्यूचर्स ने मार्च में तोड़ दिया, और S&P 500 फ्यूचर्स इसको तोड़कर इस क्रैश जोन के अंदर एंटर कर चुके थे। तो मैं फरवरी के महीने को तो मानता हूं कि क्रैश की शुरुआत यहां 24 फरवरी से हो चुकी है पूरे विश्व में, और जहां गति पकड़ी है मार्च में हमने, और देखा कि मार्च में S&P 500 फ्यूचर्स ने भी एक न्यूनतम स्तर को छुआ है 23 मार्च को ही, जहां S&P 500 फ्यूचर्स ने 2230 के न्यूनतम स्तर को छुआ। अभी अप्रैल की शुरुआत थोड़े ऊपरी स्तरों से तो हुई, परंतु अप्रैल के पहले तीन ट्रेडिंग सत्र में ही आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हो चुका है S&P 500 फ्यूचर्स में भी, और जो क्लोजिंग हुई है इस फ्राइडे की वो एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल पर अभी टिका गई है S&P 500 फ्यूचर्स को। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये एक अहम सपोर्ट लेवल है, जहां की मेरा मानना है कि S&P 500 फ्यूचर्स में एक गैप डाउन के साथ आने वाले हफ्ते में शुरुआत देखी जा सकती है, क्योंकि वहां भी स्थिति काफी नाजुक है, और यदि S&P 500 फ्यूचर्स की शुरुआत हमने आने वाले हफ्ते में एक गैप डाउन के साथ देखी इस लेवल के नीचे, तो मेरा मानना है कि फिर हम इस सपोर्टिंग लाइंस को तोड़ने में देर नहीं लगाएंगे, जहां की इस डाउनवर्ड ट्रेंड की ये जो मिड लाइन है रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये पहली ये जो लाइन है इस डाउनवर्ड ट्रेंड की, ये एक सबसे ऊपर की लाइन, इसको हम ऑलरेडी तोड़कर इसके नीचे है S&P 500 इंडेक्स जो बंद हुआ है इसके नीचे बंद हुआ है, इस डाउनवर्ड ट्रेंड की सबसे ऊपरी लाइन के नीचे है, और वहीं इस सपोर्टिंग लाइन के ऊपर टिका हुआ है, जबकि उससे भी नीचे आ गया था S&P 500 फ्यूचर्स जो है फ्राइडे की क्लोजिंग पर। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां की एक कैंडल जो है एक महीने के मूव को दिखा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल के पहले तीन ट्रेडिंग सत्र में ही इतना बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म हो चुका है, जो कि साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यदि इस लोअर लेवल की मार्च के इस लोएस्ट लेवल को तोड़ा यदि अप्रैल में, तो हम पूरी तरह से इस क्रैश जोन में एंटर कर जाएंगे,
और यदि इस क्रैश जोन को आने वाले महीनों में डिफेंड नहीं कर पाए एक दो महीने में, तो मेरा मानना है कि हम जुलाई के महीने तक यानी जुलाई 2020 तक पूरी तरह से रिसेशन जोन में पहुंच सकते हैं, जो कि इस लेवल के नीचे है, यानी क्रैश जोन के नीचे, यानी 1994 के नीचे जो जोन है ये एक रिसेशन जोन है, जहां की कुछ एक लंबे समय तक S&P 500 फ्यूचर्स एक बड़ी गिरावट में यानी एक बड़े बेयरिश प्रेशर में रह सकते हैं, जहां की एक अहम सपोर्ट लेवल यहां S&P 500 फ्यूचर्स को मिलता है 200 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट है यहां पर, जो कि आप देख रहे हैं कि अभी 1695 पर है। तो इन लेवल्स पर हो सकता है कि S&P 500 फ्यूचर्स इस डिप्रेशन की स्थिति में कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, जहां से हमें कुछ बाउंसिंग बूस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जहां की सबसे अहम स्तर ये है 1896 का, जहां से एक सपोर्ट की मैं उम्मीद करता हूं इन लेवल्स तक पहुंचने से पहले। ये एक अहम सपोर्ट लेवल है इस क्रैश का, जिसके अंदर ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 24 फरवरी 2020 से शुरू हो चुका है। तो अब देखना है कि क्या S&P 500 फ्यूचर्स इन लेवल्स को डिफेंड करते हैं या नहीं आने वाले हफ्तों या महीने में। तो अभी तो मेन अहम टारगेट होगा मार्च का जो लोएस्ट लेवल है, अब देखना है कि क्या आने वाले हफ्ते में इस मार्च के लो को यदि S&P 500 फ्यूचर्स ने डिफेंड नहीं किया तो ये गिरावट एक बड़ी भयंकर गिरावट का रूप ले सकती है, जो वहाँ की हम अप्रैल के महीने में ही S&P 500 फ्यूचर्स को इस जोन के अंदर एंटर करते हुए देख सकते हैं, जहाँ की S&P 500 फ्यूचर्स इन सरंत को भी छू सकता है, यानी 1911। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसे पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।